मिया तो फुलझड़ी है, मिया फुलझड़ी है। करण वाही जो मिठाई का डब्बा होता है ना वो है, अंदर भी बहुत मीठा है, मतलब अंदर भी इज वेरी स्वीट। वो रसगुल्ले की तरह है, क्योंकि उनके अंदर जैसे रसगुल्ले में चाशनी भरी होती है, वैसे उनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बार हम लोग आपको नए नए सेलेब से मिलाते हैं, और आज मेरे साथ जो सेलेब हैं वो एक्टिंग की दुनिया की शान है, लड़कियों के दिलों की जान है, और आज वो हमारे मेहमान हैं। जी हाँ रवि, आपका बॉलीवुड लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। रवि, आपको लोग जो हैं वो आपकी इमेज के लिए जानते हैं, जैसा कि आपका जो है लेडीज मैन के रूप में जाने जाते हैं आपके किरदारों की वजह से, और आपका जो चार्मिंग स्माइल है और किलर लुक्स हैं उनके लोग बहुत दीवाने हैं। तो ये लेडीज मैन से मत्स्य जो आपकी नया वेब शो मत्स्य कांड जो आ रहा है वेब शो, उसमें आप लेडीज मैन से कौन मैन की श्रेणी चेंज कर रहे हैं, सो ये कैसे हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस शो को करते हुए? इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, और मेरे लिए ये अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दिस शो, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट अ कैरेक्टर लाइक दिस, इस तरीके का कैरेक्टर जिसकी इतने लेयर्स हैं, इतनी सारी परतें हैं जिस किरदार के अंदर, उस तरीके का किरदार किसी एक्टर को मिले तो बहुत ही लकी एक्टर होता है। इस मामले में बहुत लकी हूँ। रवि, हिंदू धर्म में एक मत्स्य न्याय के बारे में बताया गया है और आपके शो का नाम जो है मच्छर मत्स्य जी कांड है, तो क्या हमें इन दोनों चीजों में कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा शो के दौरान, और ये दोनों अलग अलग हैं बस आपने नाम रखा हुआ है किसी वजह से, क्या रीजन? मत्स्य न्याय जो है, आप अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप मत्स्य न्याय को देख सकते हैं। कि हमेशा एक जो है एक वो एक इट्स सो टू से अ लॉ ऑफ द जंगल, जिस चीज को इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो नहीं, ये एसेंशियली इट इज नॉट सो मच अबाउट, यहाँ तो थोड़ा विपरीत हो रहा है कि ये टू स्टार्ट विद मत्स्य इज नॉट बिग फिश, सो बट मैं इतना कुछ कहना चाहता हूँ शो के बारे में, लेकिन 18 नवंबर को जो है जब शो रिलीज होगा तब आपको आप तब फर्स्ट हैंड अगर आप देखें तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, और आप भी मुझे राहुल फोन करके बताएं कि कैसा लगा आपको। तो आई एम गोइंग टू प्रेफर दैट मोर टू मी टेलिंग यू अबाउट इट राइट नाउ। आप जैसा ट्रेलर में देख रहे हैं मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है ट्रेलर, और आई होप कि जिस तरह से शो नजर आ रहा है अभी तक फर्स्ट ग्लिम्स है या फिर जो भी चीजें देखने को मिलती है, तो आई होप कि ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट होगी और एंटरटेन बहुत होगी। जैसा शो में जो अलग अलग आर्टिस्ट हैं उनमें रवि किशन जी हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं, तो अब मैं इन लोगों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। तो लोग अपने आप में बहुत अच्छे कलाकार हैं, और जो एक इस शो के जो है मतलब थ्रिलर जो आना चाहिए उसमें डायलॉग बाजी जो है जो आप लोग की चल रही है, तो अगर आप उस बारे में थोड़ा बता सके, क्योंकि काफी भारी भरकम डायलॉग है और आप लोग जिस तरह से पूरे अंदाज में बोल रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा सेट पे माहौल बनता रहा? बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मेरे सीनियर्स हैं रवि भैया भी और पीयूष जी भी, और ये बहुत ही मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर के मैंने इन स्टॉलवर्ट्स के साथ जो है काम किया। वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल। सो रवि भैया तो एक मतलब बड़े भाई की तरह हैं, और वो हैं गोरखपुर से, और गोरखपुर से उनका कनेक्ट है, उत्तर प्रदेश से हम दोनों हैं, बहुत सारा कॉमन ग्राउंड है। वो भी रवि हैं, मैं भी रवि हूँ, जी तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी सेट पे। और अक्सर रवि भैया का सेंस ऑफ ह्यूमर इज जस्ट इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो ही कैन मेक यू लाफ ऑल डे लॉन्ग, एंड दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू ऑन द सेट, ऑफ द सेट ऑल्सो। जब हम होटल में मिला करते थे ब्रेकफास्ट के लिए या लंचेस के लिए, सो वी यूज टू जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन, एंड आई यूज टू बी वी स्टिल लाफ टॉकिंग अबाउट। अब तो खैर कई महीने हो गए शूटिंग जो है खत्म हुए, बट वी स्टिल टॉक एंड लाफ अबाउट इट, एंड ही इज वेरी इनकरेजिंग। पीयूष जी मतलब मेरे लिए वो शो में तो मेरे गुरु बने ही हैं, असल जिंदगी में भी मेरे गुरु की तरह ही। मैं शो में मेरा जो कैरेक्टर है मत्स्य, वो उनसे बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, और असल जिंदगी में भी मुझे मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसने पीयूष जी का किया हुआ काम या उनकी लिखी हुई कविताएं नहीं सुनी, उनके लिखे हुए गाने नहीं सुने, उनकी आवाज में गाने नहीं सुने। तो हर कोई कहीं ना कहीं पीयूष जी से इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे वो हुस्ना हो, चाहे वो एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां हो, तो चाहे वो उनकी परफॉर्मेंसेज हो या एक ओवरऑल आर्टिस्ट के रूप में जो हम पीयूष जी को जानते हैं, उनसे सीखने के लिए लेने के लिए बहुत कुछ है। तो वो जैसे वो मेरे लिए ऑन स्क्रीन गुरु है, वैसे ऑफ स्क्रीन भी मेरे लिए गुरु जैसे ही।
एंड सो बहुत ही टेरिफिक एक्सपीरियंस रहा। तो रवि, जब आप ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स काम करते हैं, अपने काम में माहिर हैं, किसी भी सीन को वो छोटे भी सीन को बहुत बड़ा बना सकते हैं, तब कुछ कुछ इन एक्टर्स के साथ जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो माइंडसेट क्या रहता है, मतलब डर रहता है या मतलब किस तरह का माइंडसेट ऑन सेट रहता है आपका? देखिए, एक बड़े कलाकार की ना एक बड़ी खास बात होती है, जब उसके साथ कोई खड़ा होता है तो वो उसको इतना कंफर्टेबल कर देता है या इतना इंक्लूड कर लेता है अपने ऑरा में कि सीन करते वक्त वो चीज़ आपके जहन में नहीं आती। तो पीयूष जी हों या रवि भैया हों या राजेश जी हों, जो कमाल के एक्टर्स हमारे शो के अंदर हैं, उन सब के अंदर ये खास बात है। तो चाहे अगर मुझे एक सीन के अंदर किसी बहुत सीनियर एक्टर का गिरेबान भी पकड़ना है और मैं एक बच्चा हूँ उनके सामने, तो भी वो माहौल को इस तरीके का बना देंगे कि वो कि ये दो किरदारों के बीच की बात है, दो इंडिविजुअल्स के बीच की बात नहीं है। सो दिस इज द ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रेट परफॉर्मर, अ ग्रेट आर्टिस्ट। सो आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग विद वेरी ग्रेट आर्टिस्ट्स ऑन द शो। हेलो रवि, आपका जो कैरेक्टर्स में दिख रहा है ट्रेलर में, दिख रहा है आप अलग अलग चेंज कर रहे हैं अपना फेस और अलग लुक्स चेंज कर रहे हैं, तो इसमें आपको जब आप कैरेक्टर में रहते हैं और लुक्स चेंज कर रहे हैं, कई बार होता है कि रिपीटेटिव होने के चांसेस रहते हैं, कि भले आपका लुक्स चेंज हो रहा है बट एज अ कैरेक्टर आप उसमें रिपीट कर रहे हैं, उस चीज़ का आपने ध्यान कैसे रखा कि अगर मैं इस किरदार में हूँ और ये लुक चेंज कर रहा हूँ, ऑडियंस को लगना चाहिए मैं अलग अलग चीज़ें भी कर रहा हूँ, उस चीज़ की कुछ खास तैयारी चाहिए आपकी? तो जो पहले 3 महीने थे शूटिंग से पहले, उस दौरान हम लोग सब लोग बैठा करते थे, मैं, नमेश जो हमारे प्लेटफॉर्म से हैं, जिन्होंने हु इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द शो, अजय भुयान जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, मितेश, विभास जी, ये सब हम जो कोर टीम जो शो के साथ एकदम हैंड्स ऑन इन्वॉल्व थे, हम लोग बैठा करते थे और हमें लगता था ये लुक तकरीबन जो नागेंद्र और उनकी टीम में जिन्होंने प्रस्तुत किया है, हम लोग सब लोग बैठा करते थे, हम लोगों को लगता था कि ये किरदार जो है इसकी आवाज़ इस तरीके की होनी चाहिए, इसको अगर हम हरियाणवी डायलेक्ट दे दें तो शायद वर्क करेगा इसके साथ, ये फलाना आदमी जो है ये मारवाड़ी में बात करेगा तो शायद हल्का बहुत मारवाड़ी डायलेक्ट होगा तो इट माइट वर्क, दिस गाय शुड बी स्पीकिंग लाइक दिस गाय शुड नॉट बी स्पीकिंग एट ऑल, आई थिंक दिस गाय शुड जस्ट हैव एन इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस अराउंड या हिडन होना चाहिए किसी कोने में, कहीं उसका इस तरीके का हुलिया होना चाहिए, एंड देयरफॉर शुड बी इफेक्टिव लाइक दैट। तो ये प्रोसेस जो शो से पहले फ्लोर पे जाने से पहले जो 2.5 महीने 3 महीने की जो प्रक्रिया थी, उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिसाइड भी करी और प्रिपेयर भी किया इसके लिए, ताकि जब आप किसी किरदार को देखें स्क्रीन पे तो आपको ऐसा ना लगे कि आप जो है सेम आदमी को देख रहे हैं, आपको हमेशा ऐसा लगे कि आप किसी और को देख रहे हैं। जी, आप रवि, आपने टीवी में बहुत सफल पारी की जी, अब आप जुड़े हुए भी हैं, तो एक मैदान जहां पर आपने बहुत सफलता हासिल करी है, चैलेंजिंग रहता है, और जब आप उसको नई चीज ऑप्ट कर रहे हो उसको आपको ध्यान रखना होता है, आपका एक ऑरा है, आपका एक नाम है, आपकी ऑडियंस आपको पसंद करती है, उनका भी ख्याल रखना है और आपको एज अ इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान रखना है कि आप नई चीज भी कर और उसका दायरा बढ़ता है। ये सारी चीज़ें राहुल पेरिफेरल हैं, तो मतलब कि ना ही इन सब चीज़ों के बारे में सोच के कुछ किया जा सकता है और ना ही इन चीज़ों का कुछ किया जा सकता है, जब जब जो जो होना है तब तो वो होना है, और उसी होनी के चलते जो है ये शो या कोई भी किरदार हमें लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, वो उस वक्त आप उस वाइब के साथ अलाइंड, उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड, उसको आपने खींच करके आप अपनी लाइफ में लिया, आपने वो प्रोजेक्ट कर लिया, अब आपने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया, आपने कर लिया, पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपके पास जितना है इन्वेस्ट करने के लिए क्रिएटिवली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप उस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी शिद्दत के साथ डाल दें जी। उसके बाद आगे क्या होगा, उसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी क्या नहीं होगी, या उसके यू नो बाद में जो है किस तरीके का परसेप्शन बनेगा, वो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर होता तो फिर आदमी बैट घुमाता और बॉल वहां आके लगती, लेकिन हम बैट वहां घुमाते हैं जहां बॉल आती है ना। सो यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आपके हाथ में केवल उतना ही है कि उस वक्त आपके आपके पास जितना है, जो गीता का जो सारे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, वो आपके हाथ में किसी का चीज का रिजल्ट नहीं है, ये सब तो सब रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है,
मुझे जो करना था इस शो में या किसी भी और प्रोजेक्ट में वो मैंने कर दिया, अब इसके बाद ये सरेंडर हो गया। ये कास्टिंग में भी आपको लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसके दोबारा आपको अगर लोग देखना चाहते हैं तो ना वेट करना पड़ेगा, आप ओटीटी पर ही कोई नया शो प्लान कर रहे हैं। हम लोग के दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। नॉन फिक्शन स्पेस ऐसा है, खासकर जो होस्टिंग स्पेस है, होस्टिंग एक ऐसी जगह है जहाँ आप जो किरदार किसी मंच पे प्ले कर रहे हैं वो आपका अपना है, मतलब कि यू आर नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर, यू आर बीइंग योरसेल्फ, एंड आप जैसे हैं, आप कितना भी छुपा लें वैसे दिख जाता है, इसीलिए उस जगह को रियलिटी टेलीविजन बोला जाता है, क्योंकि रियलिटी आप उसको उसके अंदर आप 1000 लेयर्स डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस, रिडंडेंट प्रोसेस है और इनइफेक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज अंत में आपका जो 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 सही चेहरा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में सामने आ ही जाना है। सो मेरे लिए इसलिए वो एक बड़ा ही एजी मोमेंट रहता है जी। मैं उस जगह को एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन मैं हर रियलिटी शो करना एंजॉय नहीं करता, ये फैक्ट है, और मैंने शायद इससे पहले बात नहीं कही है, मैंने कई किए हैं लेकिन हर में मुझे वो मजा नहीं आया है। तो मैं कुछ आई थिंक कुदरत मेरे साथ रही है कि जब मैंने फैसला लिया है कुछ चीजों से के साथ अलाइन ना करने का, तो मुझे जो है मुझे क्या कहूँ मैं, मतलब कि मुझे ना आई हैवंट हैड टू ईट माई वर्ड्स, यू नो दैट आई हैव बीन एबल टू गो अहेड विद माई डिटर्मिनेशन फ्रॉम वन डिटर्मिनेशन टू नेक्स्ट डिटर्मिनेशन। सो अगर मैंने सोचा है कि मैं फलाना चीज़ें इसी, मतलब मैं फलाना चीज़ों के साथ अलाइन करना चाहता हूँ, और इसका ये मतलब है कि मैं फलाना चीज़ों को मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो अगर मेरी नीयत ऐसी रही है तो कुदरत ने भी उस बात में मेरा साथ दिया है। And therefore, when I'm saying that there are only certain reality shows that I have truly enjoyed doing, I only want to associate with them. I don't want to associate with all the shows. They may be good, they may be rating very well also. No problem. Mm-hmm. No problem. I wish them all the success. But there are only a few kind of things that I want to do, and I have been doing that for the past many years, and I want to continue like that. So, Ravi, you're also with TV production. केवल टीवी नहीं, हम मैं और सरगुन हम लोग ओटीटी में भी जल्द वेंचर कर रहे हैं एज अ प्रोडक्शन कंपनी, एंड बहुत जल्द मैं आप लोगों से बात भी करूंगा और प्रोजेक्ट्स के बारे में। फिलहाल आई थिंक यू नो अभी जब तक कि प्लेटफॉर्म जो है मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दे देते हैं बात करने के लिए, तब तक मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बट वेरी वेरी टीवी और ओटीटी से आगे बढ़ के फिल्मों में भी हाँ बिल्कुल है, हम कर भी चुके हैं कई यू नो हम कई पंजाबी पिक्चरें प्रोड्यूस कर चुके हैं, हमारी एक और फिल्म जो है सौकन सकने वो बन करके तैयार है, तो आई थिंक वो 2022 में रिलीज भी होगी, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी गोइंग द हिंदी फिल्म वे एज वेल, कब होगा वो भी सून होपफुली वी विल टॉक अबाउट। तो आप जब आप बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन, तो आपने शोज की बात, जैसे अभी बिग बॉस को लेके बहुत क्रेज है, क्या आप उसे देख रहे हैं, और आपका अगर देख रहे हैं तो कौन प्लेयर लग रहा है आपको, कौन सा लग रहा है? बिग बॉस में मेरे जो पसंदीदा हैं वो सलमान सर हैं, तो आई थिंक ही इज द सोल ऑफ बिग बॉस, यू नो ही इज द सोल ऑफ बिग बॉस। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ये सीजन नहीं देख पाया हूँ, मगर मैं और सरगुन अक्सर पहले बिग बॉस देखा करते थे, इस बार फुर्सत नहीं हुई है, मगर मैं आपको जब भी आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर सलमान सर टू बी ऑन स्टेज, बिकॉज देर इज नो बडी हु इज एज अनइनहिबिटेड एज ऑर्गेनिक एज कनेक्टेड टू द जर्म द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शो एज सलमान सर इज, सो फॉर मी ही वुड बी द बिग बॉस इज अबाउट हिम। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम रवि दुबे को बिग बॉस में सलमान खान और आप लोगों को साथ तीनों चीजों के साथ देखें? पता नहीं कि किसके पास नहीं, मैं मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एंटर कर सकूं उस शो के अंदर, वो मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है वो शो। कई लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं उनको बहुत मतलब मैं मेरी तरफ से बहुत उनको अच्छी विशेस, लेकिन मैं मुझ में वो एबिलिटी नहीं है कि मैं वो शो हैंडल कर सकूं, तो इसलिए मैं मेरे ख्याल मैं जाऊं हूं ठीक हूं। बट मैं सलमान जब भी मैं 2-3 दफा गया हूं, आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग विद सलमान सर, वो बहुत वार्म है, और मुझे जब उस कैपेसिटी में जाता हूं तो मैं बहुत एंजॉय करता हूं।
कि जस्ट गोइंग ऑन द स्टेज एंड जस्ट एंटरटेनिंग द ऑडियंस और इंटीग्रेटिंग समथिंग, आई रियली लव एंड एंजॉय दैट. एंड ही इज सच अ वार्म पर्सन, बहुत ही प्यार से वो जब भी मिले हैं, बहुत प्यार से मिले हैं, बहुत हम लोग मतलब बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर. रवि थैंक यू वेरी मच फॉर बात करने के. श्योर, आई होप कि जिस हिसाब से जितने ट्रेलर को आपको अच्छा रिस्पांस मिला है आपके अंदर से काम किया, और वेब शो आएगा तो उसको उससे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा प्यार मिलेगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे. थैंक यू सो मच.